गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 6 ऑफ आवर व्लॉग। सुबह उठ के ही जो हमने नज़ारा आज देखा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। रात को स्नोफॉल हुई है यहाँ पे तगड़ी वाली, एंड सुबह भी हमने वो विटनेस किया। अब हालांकि थोड़ा कम हो गया है स्नोफॉल, बट पूरा पूरा माउंटेन एंड एवरीथिंग जो है यहाँ पे स्नो से कवर्ड हो गया है एंड फॉग पूरा जमा हो गया है। सो बेसिकली बात यह है कि आज भी हम नीचे नहीं जा सकते बिकॉज रोड्स भी ब्लॉक हो गए होंगे। सोलांग वैली और एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी क्लोज, सो हम वो सारी जगह तो वैसे भी घूमने नहीं जा सकते। बट फिर भी यहीं पे हम थोड़ा स्नो में एंजॉय करेंगे। और जैसे कल हमने आपको बताया था बिहाइंड द सीन्स ऑफ रील, जो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी आप चेक कर सकते हैं हमारी वो रील। बाकी यहीं पे हम दिन यहाँ पे स्पेंड करेंगे आज, और ऊपर चल के देखते हैं कि कैसा वहाँ से नज़ारा आता है। फ़िलहाल मैं यहाँ से ड्रोन का व्यू कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा फॉग है, ज़्यादा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बट लेट मी ट्राई। अगर कुछ अच्छे ड्रोन शॉट्स आते हैं तो मैं यहाँ पे पीछे डाल दूंगा, एंड आप लोग वो ड्रोन शॉट्स को भी एंजॉय कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड एंड हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ वीजे एंड यू आर वाचिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स। फॉल हो रहा है, बट हम लोग सुबह से वीडियो एडिट कर रहे थे। आज हमारा फर्स्ट व्लॉग अपलोड हुआ है हिमाचल हाइकर्स का, डू वॉच इट। एंड अभी हम लोग थोड़ी टाइम नीचे के फ्लोर पे आए हैं, जहाँ पे हम लोग न्यू पीपल को मिले हैं और लोग जो यहाँ रह रहे हैं, एंड इट्स रियली रियली फन मीटिंग देम। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम दिल्ली, I think so, all of them are from Delhi and we are only Mumbaikars from here, but they are just awesome. And हम लोग अभी थोड़े games खेल रहे, जैसे carrom है, music है, cards है, और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सो गाइज, हम गेम्स एंड ऑल खेल के आ गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो ओनर्स है उनके साथ में कुछ उनको पूछना था एंड कुछ उनको बताना था ये प्रॉपर्टी के बारे में। सो दैट्स व्हाई अब वो मैं इनको क्वेश्चंस करने वाला हूँ, और ये अपने प्रॉपर्टी और जर्नी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे बताने वाले। प्रतीक एंड रुचि हस्बैंड वाइफ है जो ये प्रॉपर्टी को रन करते हैं। सो लेट्स हैव अ चैट विद देम। सो आप लोग ये प्रॉपर्टी जो है वो कब से रन कर रहे हैं, और आप सबसे पहले तो आपको ये आइडिया आया कहाँ से रन करने का? कि हम साल भर पहले घूमने आए, इधर दोनों लोग घर से काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम,
एंड वी एक्सटेंडेड आवर वेकेशन फ्रॉम अ वीक टू 14 डेज देन 21 डेज एंड केप्ट ऑन गोइंग आफ्टर अ मंथ देन वी डिसाइडेड के हम ऐसा कुछ कर सकते हैं और कुछ करना चाहिए देन वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ प्रॉपर्टी फॉर अवर सेल्फ बट जब प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे तो सबसे बड़ी जो एक चीज़ दिमाग में आ रही थी कि एज अ ट्रैवलर जो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो व्यू जो सुकून है वो हमें दूसरों को देना है ना कि हमें एक होटल चलाना है दैट वॉज नेवर द पॉइंट सो एक महीना लगा हमें एंड सम कॉमन फ्रेंड जिन्होंने हमें बताया यहाँ के बारे में इस लोकेशन के बारे में तो उसके बाद हमने इस प्रॉपर्टी को लेने से पहले हम देखने आए और फिर वी डिसाइडेड कि विल स्टे हेयर फॉर अ वीक और सो जस्ट टू नो द प्लेस और जो वो कुछ दिन हमें आ रहे उसके बाद जो सुकून और जो शांति हमें यहाँ मिली है जो एक्सपीरियंस देन वी डिसाइडेड कि दिस इज़ द प्लेस फॉर अस एंड फॉर पीपल वी वॉन्ट टू होस्ट सो ये आइडिया सबसे पहले किसको आया था प्रतीक आपको आया था या आपको आया था आइडिया सबसे पहले प्रतीक को आया ये आइडिया बिकॉज ही इज द पर्सन कि जो ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर भी करते हैं ठीक है आई एम तो लाइक कि मैं नॉर्मल हम चले जाते हैं कहीं पे वेकेशन होता है तो नॉर्मल जो भी बुकिंग वेबसाइट्स होती है booking.com अगोडा हो गया कुछ भी ऐसे प्लेटफॉर्म ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं बल प्रतीक जो है वो Airbnb के थ्रू ऐसे एक्सप्लोर करते हैं कि जहाँ पर यूनिक स्टेज विद वंडरफुल व्यू और ऐसी जगह जो इनके मन में रहती है कि हाँ मुझे ऐसी शांति वाली जगह ही जाना है जहाँ भीड़ कम ही हो तो प्रतीक को ये आइडिया आया कि हम भी स्टार्ट कर सकते हैं सो उसके बाद फिर मुझे भी लगा कि वाई नॉट क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है तो क्यों नहीं लेनी चाहिए ट्रू एंड अभी आप 1.5 ईयर्स से जब इसको रन कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है आप क्या व्यूज़ इसके लिए शेयर करना चाहेंगे सो द एक्सपीरियंस इज़ के इफ़ यू आर सर्चिंग एज अ ट्रैवलर इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर पीस और नेचर को के पास रहना चाहते हो उस इस जगह को जानना चाहते हो कि रियल मनाली है क्या एक्चुअली में देन यू कैन कम हेयर बहुत यूनिक सी जगह है सिक्लूडेड है जंगल के पास है बट जो पीस यहाँ पे है जो व्यू यहाँ पे है जो शांति यहाँ पे है वो नीचे नहीं है ट्रू सो गाइज इन दोनों के साथ में चैट करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को एंड जो प्रॉपर्टी का लिंक है Airbnb का वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको इस चीज़ का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है आपको एटलीस्ट 10 to 15 minutes ट्रैक करके ऊपर आना है बिकॉज जो विलेज है यहाँ पे अंदर से वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं चलती है तो बस ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बाकी जो व्यू है वो तो आप ऑलरेडी ड्रोन के इसमें आप देख चुके हो ड्रोन के व्लॉग में जो मैंने इसके पहले डाली थी सो बेसिकली प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड यू गाइज विल रियली इन्जॉय सो गाइज थर्ड नाइट इन मनाली हमारी जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है और कल प्रॉबेबली हम नीचे जाने वाले हैं हम लोग सोच रहे हैं सोलांग वैली तक जाए सोलांग वैली नहीं तो पालचन करके एक गांव है वहां पे सारी स्नो की एक्टिविटीज़ होती है तो हम लोग सोच रहे हैं कि कल वहां पे विज़िट करेंगे होपफुली अगर रात को बर्फ़ नहीं पड़ती है तो लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पूरी रात जो है बर्फ़ ना पड़े ताकि हम कल वहाँ पर जो है विज़िट कर सके थैंक यू सो मच गाइज आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है स्टे ट्यून्ड गुड नाइट बाय बाय